नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, आज रात हम एक सफर पर निकलेंगे, एक ऐसा सफर जो हमें हमारे कॉस्मिक नेबरहुड के किनारे तक ले जाएगा। समय की शुरुआत से ही मानव जाति तारों को निहारती रही है, उनकी टिमटिमाती हुई चमक से मंत्रमुग्ध होती रही है। अंतरिक्ष का विशाल विस्तार अपने अनगिनत आकाशीय अजूबों के साथ हमेशा से ही हमें अपने रहस्यों को उजागर करने के लिए लुभाता रहा है। तो प्यारे दर्शकों, अपनी सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि हम इस रोमांचक एडवेंचर पर निकल रहे हैं। हमारा सौर मंडल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का एक कॉस्मिक बैले है, जो एक ही तारे सूर्य के चारों ओर केंद्रित है। 8 ग्रह, जिनमें हमारी अपनी पृथ्वी भी शामिल है, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हर एक की अपनी अनूठी विशेषताएं और अजूबे हैं। बुध की भीषण गर्मी से, जो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, नेपच्यून के बर्फीले मैदानों तक, जो सबसे दूर है, हमारा सौर मंडल विविध दुनियाओं की एक टेपेस्ट्री है। क्षुद्र ग्रह, प्रारंभिक सौर मंडल के चट्टानी अवशेष अंतरिक्ष में घूमते हैं, जबकि धूमकेतु, लंबी चमकती पूंछ वाले बर्फीले पिंड अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। लेकिन ये कॉस्मिक डांस फ्लोर केवल ग्रहों और क्षुद्र ग्रहों तक ही सीमित नहीं है। एक हल्की हवा, सूर्य से लगातार बहने वाले आवेशित कणों की एक धारा पूरे सौर मंडल में व्याप्त है। यह सौर हवा हमारे यूनिवर्स या घर की सीमा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप एक विशाल बुलबुले की कल्पना कीजिए, जो हमारे पूरे सौर मंडल को घेरे हुए है। सूर्य की शक्तिशाली सौर हवा द्वारा निर्मित इस बुलबुले को हेलियोपॉज कहा जाता है। यह एक ढाल के रूप में कार्य करता है, जो हमें इंटरस्टेलर स्पेस के कठोर वातावरण से बचाता है। सौर हवा जैसे ही वह बाहर की ओर जाती है, इंटरस्टेलर मीडियम तारों के बीच मौजूद गैस और धूल के खिलाफ धक्का देती है। एक निश्चित दूरी पर सौर हवा और इंटरस्टेलर मीडियम का दबाव बराबर हो जाता है। संतुलन का यह बिंदु हेलियोपॉज को चिन्हित करता है, जो हमारे सूर्य के इन्फ्लुएंस की सीमा है। इसे एक कॉस्मिक टग ऑफ वॉर के रूप में समझें, जिसमें सूर्य की सौर हवा इंटरस्टेलर मीडियम के खिलाफ अपनी जमीन पर टिकी हुई है। यह एक नाजुक संतुलन है, फिर भी हमारे सौर मंडल के भीतर जीवन के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। हेलियोपॉज के सुरक्षात्मक आलिंगन से परे विशाल दूरी और अज्ञात अजूबों का क्षेत्र है इंटरस्टेलर स्पेस। यहां सूर्य का इन्फ्लुएंस फीका पड़ जाता है और इंटरस्टेलर मीडियम हावी हो जाता है। आप गैस, धूल और यूनिवर्सीय किरणों के समुद्र की कल्पना कीजिए, प्राचीन सुपरनोवा विस्फोटों के अवशेष और दूर के तारों से तारकीय हवाएं। यह अत्यधिक तापमान, तीव्र विकिरण और गहन अंधेरे का क्षेत्र है, जो केवल दूर के तारों की धुंधली चमक से ही स्पष्ट होता है। फिर भी इस उजाड़ क्षेत्र में भी सुंदरता और आश्चर्य है। यही नहीं, विशाल आणविक बादल तारों के जन्म स्थान इंटरस्टेलर स्पेस में बहते हैं, जबकि न्यूट्रॉन तारे, विशाल तारों के ढगे कोर, अविश्वसनीय गति से घूमते हैं, विकिरण के शक्तिशाली बीम उत्सर्जित करते हैं। इंटरस्टेलर स्पेस एक रहस्य और अनंत संभावनाओं का क्षेत्र है, जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। भाग 5, आकाशगंगा के रहस्य। आश्चर्य से भरपूर एक आकाशगंगा। दोस्तों, हमारा सौर मंडल आकाशगंगा नामक एक विशाल सर्पिल आकाशगंगा में रहता है। सैकड़ों अरबों तारों वाले तारों के एक विशाल शहर की कल्पना कीजिए, जहां हमारे सूर्य की तरह ही हर एक तारे के पास संभावित रूप से अपने स्वयं के ग्रह मंडल हैं, और इस यूनिवर्सीय महानगर के भीतर और भी गूढ़ पिंड स्थित हैं। ब्लैक होल, स्पेस टाइम के क्षेत्र, जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कुछ भी बचकर नहीं निकल सकता, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं बच सकता, जो कि आकाश गंगाओं के बीच पाए जाते हैं। आकाश गंगा सितारों, गैस और धूल का एक घूमता हुआ द्रव्यमान, अवलोकन योग्य ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाओं में से एक है। दोस्तों, वास्तव में ही अंतरिक्ष की विशालता विस्मयकारी है, हमारी दुनिया से परे मौजूद असीम अजूबों का प्रमाण है। भाग 6, आकाशीय अजूबे। हमारे सौर मंडल के बारे में दिलचस्प तथ्यों का अनावरण। क्या आप जानते हो दोस्तों कि बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह? यह इतना विशाल है कि इसका अपना एक धुंधला वलय तंत्र है। यही अगर सैटर्न प्लेनेट की बात करें तो हमारे शनि के छल्ले ठोस दिखाई देते हैं, जो कि वास्तव में अनगिनत बर्फीले कणों से बने होते हैं, जिनका आकार छोटे दानों से लेकर बड़े शिलाखंडों तक होता है। अगर बात मार्स प्लेनेट की जाए
तो मंगल ग्रह, जिसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, यह अपने विशाल ज्वालामुखियों और विशाल घाटियों के साथ एक ऐसे अतीत की ओर इशारा करता है जहां उसकी सतह पर तरल पानी बहता रहा होगा। आज के समय में मानव यहां अपनी इंसानी बस्तियां बसाने में लगा हुआ है और वही हमारा शुक्र ग्रह एक घने जहरीले वातावरण में लिपटा हुआ है, जो कि एक ग्रह के रहने योग्य होने के लिए आवश्यक नाजुक संतुलन की एक स्पष्ट याद दिलाता है। दोस्तों, हमारा सौर मंडल आकर्षक तथ्यों और आकाशीय अजूबों का खजाना है। हमारी प्रत्येक खोज हमें ब्रह्मांड के बारे में और जानने की हमारी इच्छा को बढ़ाती है। भाग 7, वॉयेजर प्रोब्स अग्रणी इंटरस्टेलर एक्सप्लोरर। 1957 में मानवता ने एक अभूतपूर्व मिशन शुरू किया, जिसकी बदौलत दो अंतरिक्ष यान वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को बाहरी सौरमंडल के एक भव्य दौरे पर भेजा गया। ये रोबोटिक दूत कैमरों, उपकरणों और किसी भी अलौकिक सभ्यता के लिए एक संदेश से लैस हैं, जिनका वे सामना कर सकते हैं। ये अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में हमारी आंखें और कान बन गए हैं। वॉयेजर 1 2012 में हेलियोपॉज को पार कर गया है। यह अब पृथ्वी से सबसे दूर मानव निर्मित वस्तु है जो साहसपूर्वक इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर रहा है। वॉयेजर 2 पीछे पीछे चलते हुए हमारे सौर मंडल की बाहरी पहुंच के बारे में बहुमूल्य डेटा वापस भेजना जारी रखता है। दोस्तों, इन निडर खोजकर्ताओं ने सौर मंडल की हमारी समझ का विस्तार किया है और आने वाली पीढ़ियों को सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया है। भाग 8, ब्रह्मांड को उजागर करना, अंतरिक्ष अन्वेषण का महत्व। हम अंतरिक्ष का पता क्यों लगाते हैं? क्या यह केवल हमारी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए है या कोई गहरा उद्देश्य है? इसका उत्तर इंसान होने के सार में निहित है। हम खोज करता है अपने आसपास की दुनिया को समझने, ज्ञान की बाउंड्रियों को आगे बढ़ाने और अज्ञात में जाने की जन्मजात इच्छा से प्रेरित है। अंतरिक्ष अन्वेषण अपनी चुनौतियों और पुरस्कारों के साथ हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में जानने, ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने और भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। भाग 9, ज्ञान की तलाश, एक अंतहीन यात्रा। जैसे ही हम सौर मंडल के किनारे तक अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि ज्ञान की तलाश एक अंतहीन यात्रा है। ब्रह्मांड अपने अनगिनत अजूबों और रहस्यों के साथ हमें अपने वैभव का पता लगाने, खोज करने और आश्चर्यचकित करने के लिए आमंत्रित करता रहता है। सबसे छोटे कणों से लेकर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचनाओं तक, ब्रह्मांड अंतर संबंधों का एक ताना बाना है और हम इस विशाल यूनिवर्सीय क्षेत्र के निवासियों के रूप में इसके रहस्यों को उजागर करने की जिम्मेदारी है। आइए हम अन्वेषण की भावनाओं को अपनाएं और इसी के साथ सितारों तक पहुंचना जारी रखें, क्योंकि ज्ञान की खोज में ही हम वास्तव में खुद को खोजते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबा लें, ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।